फ्रेंडशिप विथ मैथ चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 27 भी करने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोगों को ये दिया गया है। अब देखिए, इस तरह क्वेश्चन यदि रहेगा, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो साइन 4x अपॉन 6x है, इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि लिमिट यदि एक्स टेंड टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स यदि रहता है तो उसका रिजल्ट कितना होता है, 1 होता है। जो एंगल यदि यहाँ पे है वही एंगल यहाँ पे रहेगा, जैसे यहाँ पे 4x है, यहाँ भी 4x रहेगा, साथ में लिमिट यदि एक्स टेंड टू जीरो रहेगा तो उसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एक और है, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो टेन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू होता है 1। ये दो फॉर्मूला हम लोगों को इस तरह क्वेश्चन में याद रखना पड़ेगा जब हम लोगों को लिमिट एक्स टेंड टू जीरो दिया जाएगा। अब देखिए, इसको हम लोग लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, तो यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पे है साइन 4x, इसके नीचे में 4x होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 6x है, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसी के फॉर्म में। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4x लाएंगे। तो देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 4x अपॉन, इस x को हम लोग यहीं पर छोड़ देते हैं, और इंटू इसको 1/6 लिख सकते हैं, एक ही बात है, 6x हो जाएगा। अब इससे आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। अब इसको देखिए, यहाँ 4x है, हम लोग यहाँ 4x बनाना है, तो हम लोग कैसे बना सकते हैं, साइन 4x अपॉन, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या कि इंटू 4 कर दिए, डिनोमिनेटर हम लोग क्या किए, इंटू 4 कर दिए, तो यहाँ 4x हो गया। क्यों, क्योंकि यदि साइन 4x अपॉन 4x यदि बना देते हैं तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो दिया गया है, तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम लोग तो 4 तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो मल्टीप्लाई किए हैं खुद से, यहाँ पे न्यूमरेटर पे भी हम लोग क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू 1/6 तो ये ऑलरेडी है। अब देखिए, हम लोग यदि लिमिट लगाते हैं, तो एक ब्रैकेट में कर देते हैं, तो लिमिट यदि हम लगाते हैं तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो है साइन एक्स अपॉन एक्स के फॉर्म में, क्योंकि एंगल यहाँ 4x यहाँ भी है, तो यहाँ 4x है, सेम एंगल है, तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे टेकिंग लिमिट्स, तो लिमिट लेंगे तो इसका रिजल्ट हो गया 1/4 × 1/6, इसको कैंसिल करेंगे तो फाइनली हम लोगों का आंसर इसका 2/3 जो है सो हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया गया हम लोग को लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन 5x अपॉन साइन 8x है, तो यहाँ तो साइन एक्स है लेकिन नीचे में एंगल तो नहीं दिया गया है, साइन एक्स अपॉन एक्स के फॉर्म में नहीं दिया गया है, यहाँ भी साइन 8x है, अपॉन में एक्स तो नहीं दिया गया है, साइन एक्स अपॉन एक्स के फॉर्म में, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसके डिनोमिनेटर हम लोग क्या करेंगे, एक्स पहले लाएंगे। तो जब इस तरह क्वेश्चन रहेगा कि साइन 5x अपॉन साइन 8x रहेगा या टेन 5x अपॉन टेन 8x रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक्स से पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे एंगल में डिनोमिनेटर में कितना लाना है, 5x लाना है। यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडिंग बाय एक्स ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्योंकि हम लोग किसी भी फ्रैक्शन में सेम चीज से हम लोग डिवाइड यदि करेंगे तो फ्रैक्शन चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन 5x अपॉन x लिख दिए अपॉन साइन 8x अपॉन x लिख दिए। अब इसे आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, देखिए यहाँ पे है साइन 5x है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 5x 5 लाना पड़ेगा, तो ना 5x हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं लिमिट सॉरी साइन 5x अपॉन x था, इसके पीछे हम लोग क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई किए डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में हम लोग कितना 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 5x हो जाएगा, यहाँ भी 5x है, सेम प्रोसेस, यहाँ पे साइन 8x है अपॉन एक्स तो ऑलरेडी है, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दी डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए, यदि हम लोग लिमिट लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो दिया गया, साइन एक्स अपॉन एक्स, जो एंगल यहाँ पे है वही एंगल यहाँ भी है, जो एंगल यहाँ भी है वही एंगल यहाँ भी है, हम लोग क्या करेंगे, अब लिमिट लेंगे, लेकिन यहाँ पे टेकिंग लिमिट्स लिमिट लेंगे, इसका रिजल्ट हो जाएगा 1/5 / 1/8, तो
फाइनल रिजल्ट हो गया हम लोगों को 5/8, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन भी हम लोग सेम ही दिया है, 10 3x / 10 5x है। यहाँ भी 10 3x के नीचे में एंगल नहीं दिया गया है और 10 5x के नीचे में भी यहाँ पे एंगल नहीं दिया गया, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, x से डिवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पे डिवाइडिंग बाई एक्स ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 10 3x / x / 10 5x / x। हम लोग क्या करना पड़ेगा, जैसे 10 3x है तो इसके नीचे में हम लोग 3x चाहिए, सेम प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0 10 3x अपॉन, यहाँ पे x है, इसको हम लोग को 3x बनाना, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए डिनोमीटर में, तो न्यूमरेटर में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपॉन, यहाँ पे हम लोग को 10 5x है अपॉन में, यहाँ पे x है इनटू 5 से मल्टीप्लाई करता, तब 5x हो जाएगा। डिनोमीटर 5 से मल्टीप्लाई करता, न्यूमरेटर में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि लिमिट x टेंस टू 0 है, साथ में 10x / x सेम एंगल यहाँ पे, वही एंगल यहाँ भी, वही एंगल यहाँ भी, वही एंगल यहाँ भी, सेम एंगल है यहाँ भी, सेम एंगल है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग टेकिंग लिमिट्स, लिखेंगे टेकिंग लिमिट्स, लिमिट्स लेंगे तो हो जाएगा 1 × 3, क्योंकि इसका रिजल्ट हो जाएगा 1, ये इंटू 3 अपॉन हो जाएगा 1 × 5, तो फाइनली आंसर हम लोगों को 3/5, ये इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन में हम लोग सिमिलर ही दिया गया है, यहाँ पे है लिमिट एक्स टेंस टू 10 α x अपॉन, इसमें एंगल नहीं दिया गया नीचे में, यहाँ भी 10 α 10 β x है, इसके नीचे में भी एंगल नहीं दिया गया है, तो हम लोग वही प्रोसेस लिखेंगे डिवाइडिंग बाय एक्स ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 10 α x / x / 10 β x, क्योंकि दोनों में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 10 β x / x। यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0, देखिए 10 α x है अपॉन, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे चाहिए कितना, α x चाहिए, तो इसको हम लोग क्या किया, अल्फा से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए डिनोमीटर में, तो न्यूमरेटर में भी हम लोग अल्फा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हो जाएगा 10 β x / x। एक्स ऑलरेडी था, यहाँ पे बीटा से मल्टीप्लाई किए, सेम एंगल यहाँ पे बनाना है, जो एंगल यहाँ पे वही एंगल यहाँ पे चाहिए, इंटू बीटा से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। हम लोग क्या करें, यहाँ पे लिमिट लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 α x है अपॉन α x सेम एंगल है, यहाँ 10 β x है अपॉन 10 अपॉन β x है, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0 10x / x कितना होता है, 1 होता है, तो लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग लिमिट्स हो जाएगा 1 α / 1 β, तो फाइनली हम लोग का आंसर हो गया α/β, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन भी सेम ही पैटर्न है, यहाँ पे साइन 4x है, इसकी बाई में क्या है, एंगल नहीं 4x है, यहाँ पे क्या है 10 7x, इसके बाई में क्या है 7x एंगल नहीं है, सेम प्रोसेस लिखेंगे डिवाइडिंग बाय x ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये हो जाएगा साइन 4x अपॉन में x अपॉन 10 7x अपॉन में x हो जाएगा। इससे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 4x अपॉन x, तो यहाँ ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पे कितना एंगल बनाना है, 4x बनाना, इसको 4 से हम लोग मल्टीप्लाई करें 4x हो जाएगा, तो डिनोमीटर में यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई किया, तो डिनोमीटर में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपॉन 10 7x अपॉन x है, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 7x चाहिए यहाँ पे, 7 से न्यूमरेटर में भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं,
अब लिमिट यहाँ पे लगा सकते हैं क्योंकि साइन ये पूरा एक्स है, एंगल कितना है 4x, यहाँ भी 4x एंगल है, यहाँ पे 10 है, 10 7x है, अपॉन 7x है, सेम एंगल यदि रहता है साथ में लिमिट एक्सटेंड टू 0 रहेगा तो हम लोग लिमिट लगाएंगे तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे टेकिंग लिमिट्स, टेकिंग लिमिट्स, लिमिट्स लगाएंगे तो हो जाएगा 1 × 4 अपॉन में 1 × 7, तो फाइनल रिजल्ट इसका हो जाएगा 4/7, इसका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को ये दिया गया है, ये भी सेम ही पैटर्न का है, तो लिखेंगे डिवाइडिंग बाय एक्स ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 टेन 3x अपॉन में x अपॉन साइन 4x अपॉन में x, लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0 टेन 3x अपॉन, यहाँ पे x है तो यहाँ पे एंगल कितना चाहिए 3x, इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4x अपॉन एक्स है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमेटर में, तो न्यूमेटर में इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से ताकि एंगल सेम हो जाएगा। अब लिमिट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि एंगल यहाँ पे कितना है 3x है, वही एंगल यहाँ भी है, सिर्फ 4x एंगल यहाँ पे है, 4x एंगल यहाँ पे, सिर्फ टेन और साइन में दो फॉर्मूला होता है इसका, लिमिट एक्सटेंड टू 0 जो लिखा है स्टार्टिंग में उसका 1 होता है, कॉस का कोई फॉर्मूला नहीं होता इसका, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लिमिट्स, लिमिट्स हम लोग लेंगे तो इसका रिजल्ट हो गया 1 × 3 अपॉन 1 × 4 हो जाएगा, तो फाइनली हो गया 3/4 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। अब 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसका। देख 7th नंबर क्वेश्चन भी हम लोग सिमिलर ही क्वेश्चन दिया गया है, लिखेंगे यहाँ पे डिवाइडिंग बाई एक्स ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा हम लोगों को लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एम एक्स अपॉन टेन सॉरी एन एक्स है यहाँ पे टेन एन एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, सेकेंड में लिखेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एम एक्स अपॉन यहाँ पे एक्स है, इसका एंगल कितना बनाना है एम एक्स बनाते हैं, एम से मल्टीप्लाई कर दी डिनोमीटर में, डिनोमीटर में एम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा टेन एन एक्स अपॉन एक्स है, इसको एन से मल्टीप्लाई कर दिए तो डिनोमीटर में भी एन से हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हम लोग क्या करेंगे लिमिट्स लेंगे, देखेंगे यहाँ पे टेकिंग लिमिट्स, टेकिंग लिमिट्स, इसका रिजल्ट हो जाएगा 1 × क्योंकि एंगल यहाँ पे सेम है एम एक्स है एम हो जाएगा अपॉन 1 × एन हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट एम अपॉन एन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग दिया गया लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन 5x अपॉन में हम लोगों को एक्स दिया गया, तो यहाँ पे 3 टर्म्स है नीचे में सिंगल टर्म्स है, तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा माइनस 2 साइन 3x अपॉन एक्स हो जाएगा प्लस साइन 5x अपॉन एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 टर्म है ना, इसको हम लोग अलग अलग लिमिट भी दे सकते हैं, लिख देंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा माइनस 2 तो कॉन्स्टेंट है उसको बाहर कीजिए 2 × लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 3x अपॉन एक्स हो जाएगा प्लस लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 5x अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका तो हम लोग जान रहे हैं ऑलरेडी कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स कितना हो जाएगा एक्स 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट, अब इसको ऐसे लिखिए एक ही साथ में हम लिमिट पुट कर देंगे लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा माइनस 2 × लिमिट एक्स टेंस टू 0
ये साइन 3x अपॉन में यहाँ पे x है, तो यहाँ पे एंगल कितना है 3x है, हम लोग यहाँ पे x है इसको 3 बनाना पड़ेगा 3x करने के लिए, तो डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे न्यूमिनेटर में भी हम 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर क्वेश्चन हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं, प्लस लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x अपॉन यहाँ पे x है, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5x करने के लिए, एंगल सेम करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए हम लोग इसको लिमिट लेंगे, इसका रिजल्ट 1 हो जाएगा क्योंकि एंगल सेम है, यहाँ इसका भी रिजल्ट 1 हो जाएगा सेम एंगल। देखेंगे यहाँ पे हम लोग टेकिंग लिमिट्स, देखेंगे टेकिंग लिमिट्स ये हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 2 इंटू ये हो जाएगा 1 इंटू 3 प्लस ये हो जाएगा 1 इंटू 5, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 5, तो 5 और 1 हो गया 6 माइनस 6 कैंसिल होकर रिजल्ट हो गया 0, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग को ये दिया गया है, ये किसके फॉर्मेट में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट है, इसे हम लोग क्या करेंगे पहले फैक्टराइज करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4, इसको फैक्टराइज करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन x माइनस साइन x माइनस 1, क्योंकि 2 साइन x में साइन x गया तो साइन x हो जाएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर x सेम आ रहा है अपॉन ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x माइनस 2 साइन x माइनस साइन x प्लस 1, फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग को लिमिट x टेंस टू 0 कॉमन लीजिए, इसमें से 2 साइन x कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा हम लोग को साइन x प्लस 1, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये होगा साइन x प्लस 1 अपॉन इसमें से हम लोग 2 साइन एक्स कॉमन लेंगे ये हो जाएगा हम लोग को साइन एक्स माइनस 1 एंड माइनस 1 हम लोग कॉमन लेंगे ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस 1। अब इसे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस 1 ये हो जाएगा 2 साइन एक्स माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा 2 साइन एक्स माइनस 1 और ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हम लोग को बच गया यहाँ पे साइन एक्स माइन प्लस 1 अपॉन साइन एक्स माइनस 1। हम लोग क्या करेंगे इसमें लिमिट पुट करेंगे, आप सॉरी 0 नहीं है सॉरी पाई बाई 4 है, इसमें हम लोग क्या करेंगे लिमिट पुट करेंगे देखिए इसमें लिमिट थोड़ा आप लोग सुधार कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे लिमिट है हम लोगों को पाई अपॉन 6 नॉट पाई अपॉन 4 पाई अपॉन 6 है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टेकिंग लिमिट्स, टेकिंग लिमिट्स तो साइन ये हो जाएगा साइन पाई बाई 6 प्लस 1 अपॉन साइन पाई बाई 6 माइनस 1, साइन पाई बाई 6 होता है 1 अपॉन 2 प्लस 1 ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस 1, इसको हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली 3 अपॉन माइनस 1 फाइनली हो गया माइनस 3। तो इस तरह से आज हम लोग जो है सो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक ऑल टू ऑल क्वेश्चन देखे हैं। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट का हमको बहुत ज़रूरी है, और एक एक करके हम लोग आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन जो है मतलब पूरा कंप्लीट करेंगे। यदि किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप जो है मतलब प्लीज़ कमेंट के जरिए पूछ भी सकते हैं, यदि कोई डाउट हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।